हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और मैं लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रेजरी किंग कहे जाने वाले एक्टर दिलीप कुमार के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया और हर फिल्म से उन्होंने हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाई और उन्हें ट्रेजरी किंग का खिताब भी दिया गया। लेकिन जहां पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, वहीं दो हफ्ते पहले ही उन्हें एक बार फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और इस बात की जानकारी उनकी पत्नी सायरा बानो ने सोशल मीडिया के जरिए दी। तो वहीं बता दें कि दो हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद अब दिलीप कुमार साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन खबरें ये हैं कि इन दिनों उन्हें नली से ही खाना खिलाया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि जब भी दिलीप कुमार खुद से कोई खाना खाते हैं तो उनका ज्यादातर खाना उनके फेफड़ों में चला जाता है, जिसके चलते उन्हें नली से ही खाना और दवाइयां दी जा रही हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रोग्राम में क्या कुछ नई खबरें आ रही हैं इन दिनों दिलीप कुमार को लेकर। तो वहीं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद किस तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा है। बॉलीवुड के ट्रेजरी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता हैं, जो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। दिलीप कुमार को उनके दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। त्रासद और दुग्ध भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण ही उन्हें ट्रेजरी किंग का खिताब दिया गया। बता दें कि उन्हें भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दिलीप साहब को काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब दिलीप साहब जो हमेशा ही फिल्मों में एक अलग किरदार में नजर आते थे, पिछले कुछ समय से इनकी तबीयत खराब चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कुछ दो हफ्ते पहले दिलीप कुमार की सेहत को लेकर लगातार ही खबरें आ रही थी, उनकी पत्नी सायरा बानो ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इस बात की जानकारी दी कि दिलीप साहब की तबीयत में फिर से गिरावट आई है। तो वहीं बता दें कि दिलीप साहब को सीने में दर्द और इंफेक्शन की शिकायत के बाद 5 सितंबर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं अब लगभग दो हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद दिलीप साहब को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं एक्टर के अस्पताल से घर आने की जानकारी उनके ट्विटर से ही दी गई। उनके ट्वीट में लिखा गया है कि दिलीप साहब की तबीयत पहले से बेहतर है और वो अस्पताल से घर आ गए। बता दें दोस्तों, उनकी पत्नी सायरा बानो ने इससे पहले भी लोगों को धन्यवाद कहा था कि दिलीप साहब की सेहत में पहले से काफी सुधार है और मेडिकल रिपोर्ट में निमोनिया होने की बात सामने आई है। सबकी दुआओं के लिए हम शुक्रगुजार हैं। यानी सायरा बानो जो हर पल अपने पति दिलीप के साथ रहती है, उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद कहा है जो इस बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हैं। वही बता दें कि अब अस्पताल से घर आने के बाद जहां उनकी सेहत को लेकर उनके बारे में जानने को लोग उत्सुक हैं, वहीं खबरें ये आ रही हैं कि घर आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके दिलीप साहब को अभी भी नली से ही खाना दिया जा रहा है, क्योंकि दिलीप साहब जो भी खा रहे थे उसमें से ज्यादातर खाना उनके फेफड़ों में जा रहा था। डॉक्टर्स का मानना है कि फिलहाल उन्हें मुंह से खाना नहीं दिया जा सकता। अब आप समझ सकते हैं कि वाकई दिलीप साहब की सेहत में कितनी ज्यादा गिरावट हुई है, क्योंकि जहां वो मुंह से कुछ नहीं खा सकते तो वहीं नली के जरिए उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। बता दें कि डिस्चार्ज होकर घर जाने के बाद भी दिलीप साहब को कुछ दिन तक नली से ही खाना दिया जाएगा। ये भी खबरें हैं कि कई दवाइयां भी उन्हें नली के जरिए ही दी जा रही हैं, क्योंकि अब डॉक्टर्स बिल्कुल भी उनकी सेहत को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि खबरें हैं कि वो जो भी खाना खाते हैं ज्यादातर खाना उनके फेफड़ों में जा रहा था, जिसके चलते उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। लेकिन इन दिनों लगभग दो हफ्ते तक डॉक्टर्स की देखरेख में रहे दिलीप कुमार को अब नली से ही खाना वाना खिलाया जा रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ट्रेजरी किंग काफी बूढ़े हो चुके हैं।
और आजकल वो पब्लिकली भी कम ही नजर आते हैं। अपने घर में ही रहते हैं और उनकी पत्नी सायरा बानू उनकी देखभाल करती है। वहीं पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड के कई दिग्गज दिलीप कुमार के घर जाकर उनकी सेहत का जायजा लेते रहते हैं। यानी जहां दिलीप कुमार साहब पिछले काफी समय से बीमार है, तो उनके फैंस के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सितारे भी वक्त निकाल कर उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी किंग का खिताब अपने नाम कर चुके दिलीप साहब हर किसी के चहेते रहे हैं। इनकी खूबसूरती और इनकी एक्टिंग आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आज भी दिलीप साहब को इनकी फिल्मों के लिए बेहद याद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जहां ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहे, वहीं कई बार इनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें भी आई। जब शादी होने के बाद इन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन फिर इन्होंने अपनी पहली पत्नी से अपना नाता जोड़ दिया। इस तरह की तमाम उलझनों के साथ इनकी जिंदगी चलती रही। वहीं खुद से सालों छोटी सायरा बानो से शादी कर इन्होंने अपना घर भी बसाया, लेकिन एक बच्चे की चाह ने इन्हें हमेशा अधूरा रखा। यानी दिलीप साहब और सायरा बानो की कोई भी संतान नहीं है, और इस बुरे वक्त में कहीं ना कहीं उन्हें ये बात खलती भी होगी कि आज इस बुरे वक्त में बुढ़ापे में जब उन्हें अपने संतान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो आज इनकी संतान इनके साथ नहीं है। वह बता दे कि सायरा बानो एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन बीपी की वजह से इनकी प्रेगनेंसी ज्यादा समय नहीं चल पाई, और उस समय के बाद इन्हें कभी भी बच्चे नहीं हुए, और हमेशा ही इनको ये तकलीफ होती रही कि दूसरों की तरह इनका कोई भी बच्चा नहीं है। हालांकि सायरा बानो अपने पति दिलीप का ख्याल पूरी तरह से रखती है और हर पल उनके साथ रहती है। अगर देखा जाए तो जब भी दिलीप साहब चाहे अस्पताल जाए या फिर अस्पताल से घर पर कहीं भी नजर आए, हमेशा उनकी पत्नी सायरा हर पल उनके साथ खड़ी नजर आती है। अब जहां उनके फैंस लगातार ही उनकी सेहत की दुआएं मांग रहे हैं, तो वहीं हर कोई चाहता है कि दिलीप साहब ठीक होकर एक बार फिर से हर किसी के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए। वहीं बता दें कि पत्नी सायरा बानो की देखरेख में उनकी सेहत का ख्याल काफी अच्छे से रखा जा रहा है। दिलीप साहब जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, उसी के चलते आज उन्हें हर कोई अपना आइडल भी मानता है। अगर देखा जाए तो दिलीप साहब ने जिस तरह से अपने फिल्मी करियर में त्रासद और दुखद भूमिकाएं निभाई है, उससे हर कोई उनकी बेहद तारीफें करता है, क्योंकि आज ऐसी एक्टिंग मिल पाना लगभग नामुमकिन है, और उनकी त्रासद और दुखद भूमिकाओं की वजह से ही उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब हासिल हुआ, और आज दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता उन्हें सैल्यूट करते हैं, तो वहीं हर कोई उनकी सेहत की दुआएं मांग रहा है। तो आप सभी की तरह हम भी दिलीप साहब की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। जहां दिलीप साहब के फैंस हमेशा ही उनके लिए दुआएं मांगते रहते हैं, वहीं उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनके फैंस को धन्यवाद भी कहा। तो साथ ही साथ जहां 2 हफ्ते पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं अब करीबन 2 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई हैं, यानी अभी भी वो अपने मुंह से कोई खाना नहीं खा सकते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार वो जो भी खाना खाते हैं, वो जो कुछ भी पीते हैं, वो सीधा उनके फेफड़ों में चला जाता है, जिसके चलते नाली के जरिए ही उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं, यानी काफी ध्यान से उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो साथ ही साथ बता दें कि उनकी पत्नी सायरा बानो हर पल उनके साथ है। वहीं बॉलीवुड के तमाम सितारे भी दिलीप साहब की अच्छी सेहत की कामना करते हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर उनके फैंस भी उनके लिए दुआएं करते रहते हैं। वेल दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।